ये कहानी है एक ऐसे काउबेल की जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक अंधेरी रात में दो लोग नेवाडा शहर के पहाड़ी इलाके में एक खेत की तरफ से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने खेत में बने हुए घर से एक दर्दनाक आवाज सुनी और उसे सुनकर वो घबरा गए और डर के मारे उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के तरफ से दो डिटेक्टिव्स और उनके साथ एक टीम भेजी गई। उन दोनों डिटेक्टिव्स में से एक जूनियर था और एक सीनियर। जूनियर टीम के साथ घटनाक्रम की ओर बढ़ता है और जैसे ही वो उस घर में दाखिल होता है वो नजारा देखकर वो भी दंग रह जाता है और बाहर आकर उल्टी करने लगता है। इतने में ही सीनियर डिटेक्टिव को शक हो जाता है कि कुछ बहुत ही बड़ा मामला है और वो चेक करने घर की ओर बढ़ने लगते हैं अपने हैंड्स में रबर ग्लव्स पहन के, ताकि एविडेंस के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो। और वो जो नजारा देखता है वो उसने अपने करियर में कभी नहीं देखा था। घर के सारे मेंबर्स का मर्डर हो चुका होता है, लेकिन देखकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता था कि उनका मर्डर कैसे हुआ। सीनियर डिटेक्टिव और एविडेंस की तलाश में ऊपर के कमरे में पहुंच जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते करते एक डेली डायरी उन्हें मिलती है। उस डायरी के स्टार्टिंग पेजेस में नॉर्मल बातें लिखी होती है, लेकिन आखिर के तीन पेजेस में जो लिखा होता है उसे पढ़कर डिटेक्टिव गहरी सोच में पड़ जाते हैं। डायरी में कुछ ऐसा लिखा होता है, आज वो खेत से आते वक्त काफी ज्यादा डरे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने कहा, आज मैंने बर्न यानी कि खलियानों में एक ऐसी आवाज सुनी जो मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। तो मैंने उनसे पूछा किसकी आवाज थी, उन्होंने कहा कुछ पता नहीं पर नहीं सुननी चाहिए थी। इसके बाद वो 5 दिन तक ना कुछ खाए और ना ही सोए और अपने साथ पिस्तौल रखने लगे। वो आ रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ये सुनकर मैं डर गई, लेकिन चुपचाप देखती रही उन्हें। बुक में ये सब लिखा हुआ था। इसे पढ़कर डिटेक्टिव के मन में दो ख्याल आया कि ये आवाज किसकी थी और वो सो क्यों नहीं पा रहे थे। डिटेक्टिव रूम से निकलकर बर्न की ओर बढ़ता है और वहाँ पर उसे फार्मर की लाश मिलती है। उसके एक हाथ में हथौड़ा था खून से सना हुआ, मानो जैसे कि उसी ने अपने परिवार का मर्डर किया हो, लेकिन उसके दूसरे हाथ में एक पुराना जंग लगा हुआ घंटा था यानी कि काउबेल, जिस पर साफ दिख रहा था कि हथौड़ा से वार किया गया है, लेकिन घंटा अभी भी सही सलामत था। हड़बड़ी में घंटा डिटेक्टिव के हाथ से नीचे गिर जाता है और घंटे की आवाज आती है। धीरे धीरे वो आवाज इतनी बढ़ जाती है कि डिटेक्टिव वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अरे, अरे ये मुझे क्या हो रहा है, कोई है, बचाओ, कुछ 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 तो गड़बड़ है। इस घंटे में मेरा सर फट रहा है, बहुत अजीब लग रहा है, कहीं मैं मर नहीं जाऊंगा। कुछ समय बाद उसकी आंख खुलती है तो वो स्ट्रेचर पर होता है और हल्की आवाज में कहने लगता है कि किसी को भी घंटा छूने मत देना। डिटेक्टिव डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन कोई भी तकलीफ डॉक्टर ढूंढ नहीं पाता और आराम करने की सलाह देकर डिटेक्टिव को घर भेज देता है। डिटेक्टिव घर पहुंचकर सोचता है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ। वो सोचते सोचते कॉफी बनाता है और अपने विंडो की ओर बढ़ता है। विंडो में देखते देखते उसे विंडो के रिफ्लेक्शन पे एक क्रिएचर तेजी से अपनी ओर बढ़ता हुआ नजर आता है, जो कि बेहद डरावना, पतला और मरे हुए इंसान जैसा लग रहा था। उसे देखकर डिटेक्टिव के हाथों से कॉफी का कप गिर जाता है और फिर वो एक पल के लिए सोचता है कि ये मेरा वहम होगा। क्या जो मैंने आज देखा ये सच था? क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? माँ कहती थी कि कभी कभी शैतान दिखाई देता है, पर ये सच नहीं हो सकता, पर पूरा रियल लगा। और कितना खूंखार था वो, आखिर क्या था वो, एक शैतान, भूत या कुछ और? इतने सालों से काम कर रहा हूँ, कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। एक सेकेंड, वो फार्म हाउस मर्डर केस, हाँ वही, उसी जगह से शायद ये सब जुड़ा है। अजीबोगरीब बातें बुक्स में लिखना और मेरा घंटे की आवाज से बेहोश हो जाना, कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूँ, कुछ तो है ऐसा। सोच माइकल, सोच। कुछ ज्यादा ही सर भारी हो रहा है, अभी सो जाता हूँ।
शायद वो मेरा भ्रम होगा। आई मस्ट टेक रेस्ट। वो थका हुआ होता है और सोने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी पल के नीचे गिरती है, उसे अपने बाथरूम के गेट की धीरे धीरे खुलने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो गहरी नींद में चला जाता है, डिटेक्टिव को महसूस होने लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है और उसे वही क्रिएचर फिर दिखता है और वो घबरा कर उठ जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। मैं माइकल, एक जाबाज डिटेक्टिव, आज डर से कांप रहा हूं। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने इंटरनेट में पढ़ा था कि इसे स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो सोते हुए या उठते हुए होता है, यानी जब आपको नींद आने वाली होती है या जब आपकी नींद खुलने वाली होती है। इसमें एक इंसान अवेयर तो होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, कौन सी आवाजें आ रही हैं, और वो अपनी आंखें खोलकर आसपास देख भी सकता है, लेकिन इस समय पर बॉडी एकदम पैरालाइज होती है, जिस वजह से ये एक्सपीरियंस बहुत ही डरावना होता है, क्योंकि आप चाहते हुए भी ना तो उठ सकते हो और ना ही इजीली दोबारा सो सकते हो। इसके साथ ही हम आधी नींद में होने की वजह से हेलुसिनेट भी करने लग जाते हैं, और जो चीजें हमें सपनों में दिखनी चाहिए थी वो हमें रियलिटी के ऊपर ओवरलेड होकर दिखती हैं। धीरे धीरे क्रिएचर दिखने की घटना बढ़ने लगती है। डिटेक्टिव कॉफी और एनर्जी ड्रिंक्स पी कर सारी रात जागने लगा और उसकी हालत बहुत बिगड़ने लगी। वो हमेशा अपने संग पिस्तौल रखने लगा कि जब उसे वो क्रिएचर दिखे वो उसे गोली से उड़ा दे। और एक दिन बस स्टॉप पे डिटेक्टिव को वो क्रिएचर रिफ्लेक्शन में नहीं बल्कि अपने सामने नजर आता है। डिटेक्टिव बिना कुछ सोचे समझे तबाहतोड़ फायरिंग स्टार्ट कर देता है। बस स्टॉप से लोग डर कर भागने लगते हैं, लेकिन क्रिएचर को एक भी बुलेट नहीं लगती। डिटेक्टिव निशाना लगाने के लिए और आगे बढ़ता है तो उसे फिर से वही घंटे की आवाज जोर जोर से सुनाई देने लगती है। डिटेक्टिव अपने कान बंद कर लेता है और धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगती है। डिटेक्टिव लेफ्ट में देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो आवाज घंटे की नहीं बल्कि बस के हॉर्न की थी, और जगह पर ही डिटेक्टिव की मौत हो जाती है। अगर आपको कभी ये घंटा रास्ते में दिख जाए तो आप क्या करोगे? ए, भागोगे। बी, अपने दुश्मनों को दे दोगे। सी, मुझे कॉन्टेक्ट करोगे। या डी, पुलिस स्टेशन में बताओगे। कॉमेंट करके जरूर बताना। डिटेक्टिव ने उस दिन बर्न में जो घंटा देखा था वो और कुछ नहीं बल्कि SCP-513 है। SCP-513 की SCP फाउंडेशन के एजेंट्स ने खोज की थी, और जब SCP-513 मिली तो उसे कॉटन से भर दिया गया और उसके साथ एक पेपर मिला था जिस पर लिखा था, तुमने उसे देख लिया है, अब वो तुम्हें सुन सकता है, तुमने उसे छू लिया, अब वो तुम्हें देख सकता है, तुमने उसे सुन लिया, अब वो तुम्हें छू सकता है। इस कहानी से ये साफ जाहिर होता है कि इस घंटे को सुनने वाले की मौत निश्चित है, लेकिन सवाल है कि ये मौत कितने तकलीफ के बाद होगी। 1. जैसे ही घंटे को कोई सुन लेता है, उसकी धड़कनें, ब्लड प्रेशर तेज होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। 2. उसे हमेशा घबराहट और ये चिंता रहती है कि कोई उसे देख रहा है। 3. फिर उसी इंसान को क्रिएचर का रिफ्लेक्शन दिखने लगता है और ये धीरे धीरे बढ़ते रहता है। 4. इसी के कारण पीड़ित इंसान सो नहीं पाता और उसकी दर्दनाक मौत की कहानी शुरू हो जाती है। 5. ना सोने के कारण आदमी चिड़चिड़ा, गुस्सैल और डिप्रेशन में चला जाता है, और एंड में कोई ना कोई रीजन से उसकी मौत हो जाती है। SCP-513 को SCP फाउंडेशन में यूक्लिड क्लास का दर्जा दिया गया है, यानी कि इस SCP को नॉर्मली कंटेन करना सेफ नहीं माना जाता है। इसको कंटेन करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करना पड़ता है। आज की तारीख में SCP-513 को साउंड प्रूफ कमरे में रखा जाता है, और कोई भी साइंटिस्ट SCP-513 के टेस्ट करते वक्त एयर प्लग्स या नॉइस कैंसिलेशन बड्स पहनकर ही जाते हैं। इसीलिए कभी भी आपको कोई पुराना घंटा दिखे जिस पे जंग लगा हुआ हो तो उसे बजाने से पहले ये कहानी के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा।